Hey up guys, I'm back with video. और आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में तो निफ्टी के ऊपर मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ बट ऑब्वियसली आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जिस बात के बारे में मैं काफी टाइम से बात कर रहा हूं शायद वो स्टार्ट हो चुका है

एग्जिट कर दिया है क्यों उसके रीजन भी यहां पर मैं बताऊंगा यहां पर इस वीडियो में और यहाँ पर आई होप अगर पूरी वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा कि क्या, क्या कहना चाहता हूं वेल well, यहाँ पर अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी काफी ज्यादा नीचे चल रही है काफी ज्यादा नीचे चल रही है तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी स्टॉक मार्केट शुड ट्रेड बिटवीन एट टू सिक्स स्टॉक मार्केट शुड ट्रेड बिटवीन एट थाउजेंड एंड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक ट्रेडिंग रेंज होता है इकोनॉमी एक 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 चलती है उसके बाद स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है वो फ्लक्टिंग होती रहती है तो स्टॉक मार्केट होता रहता है इकोनॉमी जो है स्टॉक मार्केट दो दिन में ऐसे पूरी तरह से ऊपर चला जाता है दो दिन में वापस नीचे आ जाता है बट इकोनॉमी ऐसे मूव इन नहीं करती इकोनॉमी स्लोली 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 मूव करती है इकोनॉमी एक दिन में ऊपर एक दिन में नीचे ऐसा बिल्कुल नहीं होता It take, it takes time to, to move. बहुत काफी ज्यादा टाइम लगता है उसे अच्छा होने में उसे या बुरा बनने में या फिर कंसोलिडेट करने में भी और वैसा ही कुछ यहाँ पर अभी हुआ है कि इकोनॉमी अचानक से भी गिरी है और पहले से भी गिरी हुई थी पहले भी इकोनॉमी गिरी हुई थी सबको पता है जो यूजली स्टॉक मार्केट में पहले से ट्रेड करते थे उन सबको पता था कि इकोनॉमी पहले भी गिरी हुई थी और अभी भी यहाँ पर इकोनॉमी गिर रही है और गिर चुकी है और अभी तो रिजल्ट आने बाकी है अभी तो ये तो और गिरेगा यह तो अभी बाकी है यह तो और गिरेगी इसका तो और गिरना बाकी है क्यों तो क्योंकि रिजल्ट अभी तक आए नहीं है कोरोना के बाद के एग्जैक्ट रिजल्ट आए नहीं है उनका आना अभी तो बाकी है तो वेल जब वो रिजल्ट्स आएंगे तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी कितने पानी में है क्योंकि यहाँ पर सेल्स नहीं है सेल्स नहीं है तो प्रॉफिट नहीं हो रहा लोगों को उनके डेप्स पे करने हैं पहले ही इकोनॉमी काफी गिरी थी ऑटो सेक्टर की अगर हम स्पेशली बात करें ऑटो सेक्टर काफी काफी डाउन चल रहा था और अगर हम अभी की बात करें लॉकडाउन की या मार्च के बाद की बात, बात करें इस टोटल क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑटो सेक्टर काफी नीचे चल रहा है और पहले ही नीचे चल रहा था और अभी और गिर गया है यानी उसको एक तो पहले से नीचे था और उसके ऊपर हैमर पड़ गया है इतना नीचे चल रहा है फिर भी यहाँ पर ऑटो स्टॉक्स में अगर हम टाटा देखे कुछ देखे कुछ में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर रैली आती रहती है क्यों क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाना रहता है इसलिए अगर इंश्योर टाटा मोटर्स को ऐसी खुला छोड़ दे तो उसको और गिरने से कोई नहीं रोक सकता और गिरने से उसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उस सेल्स ही नहीं है सेल्स ही नहीं है टाटा मोटर्स की बात करें अगर मारुति सुजुकी की बात करें किसी की बात करें अगर कोई सेक्टर यहाँ पर है पैसा कमा रहा है तो वो है फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर और काफी है और काफी भी है काफी सेक्टर है और बट ये दो जो मेन सेक्टर है वो काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं स्पेशली अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में लोगों की बिजनेस की सेल्स नहीं है लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है लोग ई नहीं पे कर पाएंगे बैंक्स लोन नहीं पे कर सॉरी जो बिजनेस है वो लोन नहीं पे कर पाएंगे जिससे जो एनपीएज है उनमें ग्रोथ होगा मैं सारे बैंक के स्टॉक के जो वीडियोस है उनमें यही कहता हूं कि एनपीएज में आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी तो और वैसा ही होगा जो बड़े बड़े बैंक्स है उनके एनपीएज में ग्रोथ होगी और जब एनपीएज में ग्रोथ होती है जब प्रॉफिट्स नहीं होते जब नए लोन्स एड इन नहीं होते जब नए डिपोजिट एड इन नहीं होते तब यहाँ पर बैंक को फंक्शन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक ने आज Uh, अपने आज निशा का भी uh, अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए और दिया आर इन मोर देन थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड लॉस जो फाइव हंड्रेड का लॉस फाइव हंड्रेड करोड़ का लॉस था अभी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ का लॉस है जो काफी ज्यादा है काफी ज्यादा है और आने वाले क्वार्टर में वो और बढ़ सकता है बैंक्स जो भी सारे कंपनीज है uh, रिजल्ट्स ना Obviously, अगले महीने आने हैं, बट कोई भी कंपनी अगले महीने रिजल्ट्स पर नहीं देगी जो देगी वो हॉनेस्ट कंपनी होगी बट मोस्ट ऑफ द कंपनी अपने पर अपने बुझ जानबूझकर डिले करेंगे क्यों क्योंकि उन्हें पता है रिजल्ट्स आएंगे तो स्टॉक गिरेगा स्टॉक गिरेगा तो यहां पर उनके वैल्यूएशन को उनके प्राइस को सारी चीजों को अफेक्ट करेगा तो यहां पर वो नहीं चाहते कि उनका स्टॉक गिरे इसलिए वो जानबूझकर अपने रिजल्ट्स भी डिले कर सकते हैं बट यहां पर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है उन्हें बने रहती है कि example, में पहले से मीडिया सारे, तो हम जैसे यूट्यूबर्स भी ले लो हम लोग भी एक एस्टिमेटेड लगा के रखते कि इस कंपनी का एक्सवाइजेड कंपनी है उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो एक्सवाइजेड होगा तो स्मार्ट ट्रेडर यूजुअली मार्केट भी अगर देखा जाए तो वो यहां पर उस एस्टीमेट के अराउंड यहां पर स्टॉक को लाते हैं स्टॉक मार्केट यहां पर उस एस्टीमेट के अराउंड स्टॉक मार्केट को लाता है उसके बाद जब एग्जैक्ट जब रिजल्ट उसके पहले थोड़े दस पंद्रह दिन पहले मार्केट को लाता है पहले ही नहीं लाता अगर 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 हम अगर हम अगर देखिये तो रिजल्ट्स रिजल्ट अगर किया अगर हम पास जाए तो मार्केट को अभी आठ हजार चार सौलमोस्ट सात हजार रुपये ट्रेड करना चाहिए था बट वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है दस हजार तीन सौ पे ट्रेड कर रहा है क्यों क्योंकि वो एस्टिमेटेड के अनुसार नहीं चल रहा तो जब रिजल्ट पास आएंगे तो वो एस्टिमेटेड के पास जाने की कोशिश करेगा फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटेड यहाँ पर है एग्जाम्पल ले लेते हैं मैं आपको बता नहीं रहा एग्जाम्पल एस्टिमेटेड यहाँ पर है तो मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट पास आएंगे उस estimated के पास जाएगा फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट अनाउंस हो गए रिजल्ट आ गए यहाँ पर काफी नीचे रिजल्ट्स पर और जो एस्टिमेटेड है उससे भी बुरे रिजल्ट्स आए तो मार्केट और नीचे गिर जाएगा एस्टिमेटेड के ऊपर अगर प्रॉफिट है तो मार्केट उस जगह सेटल हो जाएगा ऐसे वो आने वाले टाइम में प्रेफर मूव ऑन करेगा बट अगर हम एट दिस करंट पोजीशन देखें तो ये स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है काफी ज्यादा अगर हम इकॉनमी को देखें रिजल्ट्स को देखें कंपनी की कंडीशंस को देखें तो स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा अननेसेसरली ऊपर जा चुका है और ये कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट हिम्मत से ओपन open, ओपनली नहीं बोलेगा क्योंकि वो डरते हैं यहाँ पर ऑब्वियसली बड़े uh, चैनल्स हैं वो डरते हैं यहाँ पर इस इस बात को ओपनली बोलने से और जो बाकी ओपनली बोलेगा उसको आपको ऑब्वियसली फॉलो करना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपने तारीफ कर रहा हूँ मैं बाकी के बाकी लोग की बात कर रहा हूँ वेल एनी बट आपको अभी क्या करना चाहिए आई वुड से यहाँ पर लालच लालची होने से अच्छा है कि आपके पास कैश होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट का रोल है यहाँ पर प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कैपिटल होना इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट तो आते रहेंगे लॉस आते रहेंगे बट आपके पास अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो क्या इन्वेस्ट करोगे अगर यहाँ पर रिस्क परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा है और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो काफी कम है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैंने हिंदी में आसान भाषा में कह दिया थ्री एडियर्स नहीं देखे मैंने थ्री एडियर्स देख के यहाँ आया हूँ मैं बट स्टिल एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी कम है इसलिए मैं कहूंगा कि रिस्क की जो स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करने से पहले 10, 20, 100 बार सोचो जो पर ऐसे स्टॉक्स है जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम एफ एम ले जी ले या फिर फार्मा ले ले तो ये दो सेक्टर्स है जो आने वाले टाइम में शायद थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इनका हम गारंटी ले सकते हैं बट बाकी के सेक्टर्स जैसे कि अगर हम ऑटो सेक्टर ले ले एयरलाइन सेक्टर ले ले या फिर फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर ले ले तो ये ऐसे सेक्टर्स है जो काफी बुरे परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में तो इनमें अभी इन्वेस्ट करना फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम खाई में छलांग लगाने से के इक्वल है ऑलमोस्ट इक्वल है इट इज लाइक नीचे कुछ दिखने रहा है बस हम छलांग लगा रहे हैं होपिंग कि नीचे पानी होगा नहीं होगा तो क्या करोगे अगर पानी होगा भी तो भी गिरोगे तो नीचे जाके में उतना ही समय लगेगा आपको तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कैपिटल आपके पास होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल यहाँ पर बचा के नहीं रखोगे तो बाद में जाके ट्रेड ही नहीं कर पाओगे इसलिए आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि यहाँ पर अननेसेसरी के जो रिस्की स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट मत करो उसमें इन्वेस्ट मत करो आपका यहाँ पर कंप्लीट फोकस आपका पोर्टफोलियो बनाने पे होना चाहिए ऐसा समय हमेशा नहीं आता पैंडमिक सिचुएशन या इकोनॉमिक डाउनफॉल हमेशा नहीं आता स्टॉक मार्केट हमेशा ऐसा रिसेशन नहीं दिखाता आपका कंप्लीट फोकस लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने के ऊपर होना चाहिए क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज लाइक रेंट पे घर लेना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज लाइक रेंट पे घर लेना और होपिंग कि वहां पर आप रह के ज्यादा पैसा कमा सको बट अगर आप यहाँ पर घर ही खरीद लोगे और उसके ऊपर रेंट को दूसरों को चार्ज करोगे यानी आप यहाँ पर स्टॉक खरीद लोगे और उसका डिविडेंड लाइफ टाइम एंजॉय करोगे तो वो ज्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल होगा इन द लॉन्ग रन आपको यहाँ पर दो दिन की जगह वीकेंड की जगह यहाँ पर एक साल दो साल चार साल का सोचना चाहिए क्योंकि वीकेंड का एक दो दिन का सिर्फ यहाँ पर ब्रोक और बेवकूफ लोग सोचते हैं स्मार्ट इंटेलिजेंट और uh, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो यहाँ पर एक दो दिन का नहीं बल्कि यहाँ पर लॉन्ग रन एक दो तीन चार पाँच साल का सोचते हैं you have to think about